छिंदवाड़ा की बात में आज हम बात करेंगे। कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी 155 सीटों की सूची जारी कर दी। उसमें आइए नजर डालते हैं इन सीटों पर, कौन कौन सी सीटें आज कांग्रेस ने नाम घोषित किए। आइए विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं जो कांग्रेस ने आज जारी की है। जौरा से बनवारी लाल शर्मा, मुरैना से रघुराज सिंह कसाना, अटेर से हेमंत कटारे, सत्यदेव कटारे के बेटे जो अभी अभी उपचुनाव जीते हैं, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर ग्रामीण से मदन कुशवा, ग्वालियर से प्रदुमन सिंह तोमर जो कि आंदोलनों को लेकर चर्चा का विषय सुर्खियां बटोरते हैं, ग्वालियर ईस्ट से मुन्नालाल गोयल, राघोगढ़ से दिव्य सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। रीवा से अभय मिश्रा, चुरहट से अजय सिंह, विजय राघोगढ़ से पद्मा शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया गया है जो कि अभी अभी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आई है। जबलपुर कैंट से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है, जबलपुर पश्चिम से तरुण भानत को टिकट दिया गया है, मंडला से संजीव छोटेलाल उइके को टिकट दिया गया है, डिंडोरी से ओम प्रकाश मरकाम को टिकट दिया गया है, सिवनी से मोहन सिंह चंदेन को टिकट दिया है, केवलारी से रजनीश सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया गया है, नरसिंहपुर से लखन सिंह पटेल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, गाडरवाड़ा से सुनीता पटेल को टिकट दिया गया है, अमरवाड़ा से कमलेश शाह को एक बार फिर जो कि विधायक है अमरवाड़ा से उनको टिकट पर भरोसा जताया है पार्टी ने, सौसर से विजय चौरे को टिकट दिया गया है, परासिया से सोहन वाल्मीकि को टिकट दिया गया है, भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। बात करें तो राजपुर विधानसभा सीट से बाला बच्चन को कांग्रेस ने टिकट दिया गया है, वहीं बड़वानी से बात करें तो रमेश पटेल को टिकट दिया गया है, झाबुआ से विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया के बेटे को टिकट दिया गया है, धार से प्रभा सिंह गौतम को टिकट दिया गया है, राव से जीतू पटवारी को टिकट दिया है जिनका अभी अभी एक विवादित बयान आया था कि पार्टी गई तेल लेने, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है कांग्रेस से राव से जीतू पटवारी, रतलाम ग्रामीण से लक्ष्मण सिंह, मऊ अम्बेडकर नगर से। इस सूची की बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया और सभी के समर्थकों को बराबरी का टिकट दिया गया है। बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस की सूची आई बड़ी संतुलित नजर आई। आइए खास बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये कांग्रेस की टिकट जो जारी हुई उसमें खास बात देखने वाली है कि दिग्विजय सिंह के बेटे और भतीजे दोनों को टिकट दिया गया है। टिमरनी से चाचा भतीजे का मुकाबला देखते हुए नजर आएगा। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक भाजपा के विधायक संजय शाह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस से उनके ही भतीजे अभिजीत शाह को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश से एनयूसीआई अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को टिकट दिया गया है। आगर से छिंदवाड़ा की 3 सीटों की घोषणा की गई है जिसके पीछे कारण यह कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी मानी जा रही है। छिंदवाड़ा में जहां पूर्व विधायक के नामांकन भरने की अटकलें लगाई जा रही है जिसके चलते इस्तीफा देने वालों की बाढ़ सी आ गई है, जो कि छिंदवाड़ा के कमलनाथ का गढ़ माना जाता है उसमें 4 सीटों को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। पांडुनाथ, छिंदवाड़ा और चौरी जैसी सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है। इसके पीछे साफ कारण नजर आ रहा है।